हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 बज गए हैं और आज अभी मेरा खाना नहीं बना है। हाँ, लेट हो गई हूँ क्योंकि वैसे तो मैं सुबह जल्दी काम कर लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा छत पे भी टाइम लग गया था, ऐसे ही बातें करते रहे थे और आज एक वीडियो भी शूट की थी छत पर, तो उसमें टाइम लग गया था। फिर नीचे में आई तो फिर आलिया को नाश्ता वास्ता, फिर यहाँ की सफाई की, फिर उसके बाद इन्नू उठ गई थी, सफाई नहीं हो पाई थी, सिर्फ उस वाले रूम धुल पाया था जब तक इन्नू आ गई थी। तो फिर इन्नू को लेकर बैठे रहे आधा घंटा तो बैठे रहे थे, और फिर जो है उनको ऐसे तैसे छोड़ा, मोबाइल पकड़ाया थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह नहीं छोड़ते हैं, उनको गोदी चाहिए। तो फिर मैंने मोबाइल पकड़ाया तो थोड़ा सा बैठ गई, तो फिर जल्दी से मैंने सफाई करी और फिर मैं ऊपर ले गई, फिर ऊपर की सफाई की अपने रूम की, बाहर की, चौक वगैरह की, और बस फिर इनाया बोल रही थी कि वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। तो जब उसको बहुत मुश्किल से टीवी में कार्टून वगैरह लगाया तो वो खेलने लगी, फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई और बस बर्तन वगैरह जमाए। मांस तो पहले ही लिए थे मैंने, पोर्शन यहाँ का धोने से पहले ही बर्तन मांज लिए थे, तो जब तक बर्तन जमाए तो फिर पापा चले गए थे कहीं पर, लेकिन वो आ गए थे, तो फिर मैं नीचे का पोर्शन धोने चली गई थी। पापा के सोफ़ा कवर वगैरह भी उधर के चेंज करना था, तो सारा कुछ करके आई मैं 10:30 बजे, फिर नहाया है और यहाँ बैठकर मैंने अभी 15 मिनट लग गए हैं, तो ये मैंने अदरक लहसुन छीला है। और आज पता है मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को कैसे पता है? आज बना रही हूँ दाल बाटी, बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत मतलब मैं तो बनाती ही नहीं हूँ, मैं मतलब साइना बाजी जब भी आती थी तो वो ही खिलाती थी दाल बाटी, और पापा को बहुत पसंद है और चूरमा भी खाते हैं वो दाल बाटी के साथ, क्योंकि बाजी उनको बना कर देती हैं। और हमारे साइड तो दाल बाटी चलती नहीं है, मतलब मैंने अपनी शादी से पहले कभी दाल बाटी नहीं खाई थी ना ही देखी थी। हाँ, हमारे घर के बगल में जो घर बन रहा था ना, तो उनको बनाते हुए देखा था, मतलब जो वहाँ पर कारीगर काम कर रहे थे ना उनको बनाते हुए देखा था कि ये दाल बाटी टिक्कड़ बोल लेते तो कि टिक्कड़ बना रहे हैं, ये दाल बाटी बना रहे हैं, मतलब याद नहीं है इतना, लेकिन खाई कभी नहीं है ना ही गौर से देखी है हाथ में। रियल में शादी के बाद जस्ट पहली बार मैंने खाई थी, वो भी साइना बाजी के हाथ की, शादी के दूसरे दिन ही साइना बाजी ने दाल बाटी बनाई थी तो वो खाई थी बस। फिर उसके बाद जो है साइना बाजी जब भी आती थी दाल बाटी बना के खिला जाती थी, और एक दो बार मैंने भी बनाई है उनसे ही सीख कर, तो बस अब वो आ नहीं सकती हैं इस वायरस की वजह से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि दाल बाटी खाना है, जब भी दाल बाटी देखती वीडियो वगैरह में या पैसे तो याद आ जाता कि दाल बाटी खाना है, तो बस मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ। तो दाल तो मैंने वो बॉयल कर ली है, अब मैं लगाऊंगी तड़का, अदरक लहसुन छील लिया है, अभी मिर्ची काटना है, टमाटर काटना है, प्याज काटनी है, तो सारा ये करके मैं तड़का लगाऊंगी और फिर बाटी का आटा गूंदूंगी, बाटी बनाऊंगी और पापा के लिए थोड़ा सा चूरमा भी बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी जो कि चलता है खाने में साथ में, क्योंकि अच्छा लगता है, गर्मियाँ हैं इसलिए। और बस आलिया साथ में ही उठ गई थी 5 बजे, तो वो भी सो गई हैं, इनाया भी अभी अभी सो गई क्योंकि वो 8 बजे उठ गई थी, क्योंकि उनका टाइमिंग है 10 बजे के बाद ही उठने का, तो लेकिन वो आज जल्दी जल्दी उठ गई थी तो दोनों दोबारा से सो गई हैं। चलो ठीक है, मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि जब वो उठ जाती हैं ना तो फिर थोड़ा सा मेरा काम धीरे धीरे हो जाता, जैसे कि आज हुआ है, अगर वो जल्दी नहीं उठती तो मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती, मतलब ये समझ लीजिए 9:30 बजे तक 10 बजे तक मेरी पूरी सफाई खाना सब हो जाता, सिर्फ रोटियां छोड़ देती हूँ मैं, रोटियां बनाती हूँ जब खाते हैं, लेकिन आज देखिए मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब खाने की तरफ से नहीं हुआ, सफाई तो चलो हो गई, चलो ये भी बड़ा काम है, और नीचे की भी सफाई करने की सोच रही थी 2-3 दिन से, लेकिन जब तक मैं जाने को हो करूँ, जब तक पापा कहीं चले जाया करें, तो ऐसा हो रहा था। तो अब कर लेते हैं जल्दी से काम, क्योंकि 11:15 हो गए हैं, 12:15 बजे तक खाना तैयार हो जाए, क्योंकि बाटियों में थोड़ा सा टाइम लगता है और बनाती हूँ, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है बाटियाँ, क्योंकि अच्छी बने, सॉफ्ट बने, वो अच्छी बाटी मानी जाती है। तो चलो, और एक कमेंट आया था कि आपकी कितनी नंदे हैं और आपकी नंदे सारी आपके पास ही रहती हैं, तो जी नहीं, मेरी 3 नंदे हैं,
और तीनों जो है दोनों भाइयों से बड़ी हैं। तो एक तो साइना बाजी हैं जो कोटा राजस्थान में बारा में रहती हैं, मतलब राजस्थान बारा में रहती है, कोटा में नहीं, बारा में रहती हैं। और उनसे छोटी हैं सबनम बाजी। तो वैसे तो उनकी ससुराल जो है यहाँ लोकल में ही है, पुरानी सिवपुरी में। और अभी दुलाभाई का जो ट्रांसफर है वो सवलगढ़ हो गया था। तो इतनी 5-6 साल से वो वहीं रह रही थी, लेकिन अभी अभी वो यहाँ पर ही, मतलब ईद के टाइम पर ही वो यहाँ आई हैं। तो अब वो वहीं यहीं पर रहेंगी, मतलब अब उनका ट्रांसफर जो है अब यहीं पर होने वाला है, तो इसलिए यहीं पर आ गई हैं, मतलब जहाँ उनकी ससुराल थी अब वहीं आ गई हैं। तो मेरी एक एक ननद जो है लोकल में रहती हैं, और छोटी वाली ननद है वो झांसी में रहती हैं। जो हमारी फुप्पी हैं, फुप्पी सास, उनके यहीं पर गई हैं। तो ये मेरी तीनों ननद हैं, बता दिया। और अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो ये है दाल का तड़का। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला वो मैं बता देती हूँ। इसमें मैंने घी गरम किया, उसमें लहसुन डाला, फिर प्याज डाली है, और उसके बाद मैंने हरी मिर्च, टमाटर और मिर्च पाउडर और गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि वैसे तो हल्दी मैंने दाल में ही डाल दी थी। ये है दाल बॉईल की हुई, और नमक और हल्दी और घी डालकर मैंने इसको बॉईल किया है। तो बस यहाँ पे ये तड़का तैयार हो रहा है, और इसमें अदरक भी डाली है। तो बस हींग और डाल दूँ, हींग डायरेक्ट मैं दाल में ही डालती हूँ। तो अभी थोड़ी देर और भूनूंगी। तो बस तड़का यहाँ पे तैयार हो गया है, और ये है दाल। तो बस तड़के को डाल देते हैं दाल में, लेकिन मैं पहले जो है थोड़ी सी दाल जो है तड़के में मिक्स कर रही हूँ, और फिर जो है ये अच्छे से मिक्स करके फिर दाल में डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने तड़का जो है दाल में डाल दिया है, और देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है, और टेस्टी बहुत बनी थी ये दाल। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती भी डाल दी है। तो बस ये दाल बनके तैयार हो गई है, और यहाँ गूंद रही हूँ मैं आटा बाटी के लिए। तो इसमें मैंने डाला है खाने का सोडा 1/2 चम्मच, और अजवाइन, नमक और घी डाल के बस इसको गूंद रही हूँ। अभी घी डाला है मैंने, तो अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, और घी मैंने अंदाजे से डाला है। और यहाँ आटा मैंने गूंद लिया है, सॉफ्ट कर्रा आटा नहीं गूंदा है, सॉफ्ट गूंदा है। और ये निकाल लिया है ओवन बाटी बनाने का। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मलाई, क्योंकि थोड़ी सी बाटी का मैं चूरमा बनाऊँगी लड्डू, तो इसमें से मावा निकालना है मुझे, घी की वजह से नहीं निकाल रही, मुझे मावा चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जो चूरमा बनता है उसमें अगर मावा जाता है तो अच्छे लगता है, और जब दाल बाटी बनने तो थोड़ा सा चूरमा तो बनता ही है, तो अच्छा लगता है और पापा को पसंद है, तो इसलिए बना रही हूँ। तो बस यहाँ ये मलाई को जो है घी निकाल लूँगी, और यहाँ पे मैंने बाटियाँ बना के रख ली हैं, और ये ओवन जो है पहले से ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और गैस जो है बिल्कुल स्लो है, आप देख सकते हैं छेद में से दिखाई दे रही है, बिल्कुल कम जल रही है ये। तो बस इस पे रख देंगे बाटी, तो यहाँ इस तरीके से बाटी रख देंगे। और अभी बाटी आप देख रहे होंगे बिल्कुल मैंने चपटी चपटी सी बनाई है, और इसमें खाना सोडा डला है तो इस वजह से ये अच्छे से फूल जाएंगी, और घी डला है तो सॉफ्ट हो जाएंगी, खाने सोडे से भी सॉफ्ट होती हैं। तो बस यहाँ बाटी चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक बार इनको पलट दी थी, तो यहाँ देखिए बाटी जो है सिक गई है, और ये देखिए। तो बस जो जो बाटी सिक गई है वो मैं निकाल लूँगी, और उनका बना लूँगी मैं चूरमा, और जो बाकी की नहीं बनी है उनको मैं पलट कर रख दूँगी। और ये ओवन हमारा जब भी का है, जब बाजी थी बनाती थी यहाँ पर, मतलब जब का होगा शायद, याद नहीं है मुझे, लेकिन बहुत पुराना है, देख भी सकते हैं आप लोग, मतलब बाजियों के टाइम का ही है, उस टाइम का ही है ये। तो बस यहाँ मावा निकाल लिया है, और ये बाटी हैं इनको मैं तोड़कर इनका जो है मिक्सी में पीस लूँगी, और बहुत ज़्यादा गर्म है ये, और ये बाकी की मैंने बना के रखनी है, जो बची हैं ना उन वो सीख जाएंगी, तो फिर इनको रख दूँगी। तो यहाँ देखिए ये मैंने पीस ली हैं, और बस इनको फोड़ कर डाल दूँगी, और इतनी सॉफ्ट है ना बाटी, इतनी सॉफ्ट बनी है कि देख सकते हैं आप लोग, मैं एक हाथ से ही जो है इनको फोड़ ले रही हूँ, अगर कर रही होती तो इस तरीके से नहीं फूटती। और कुछ बाटियाँ ऐसी होती हैं कि कर रही इतनी होती है कि कभी कभी मिक्सी जार भी टूट जाता है, मैंने सुना है।
लेकिन जो बाटी है मेरी बहुत अच्छी बनी है, सॉफ्ट हो। यहाँ देखिए बेटू आ गई है, तो यहाँ मैंने बाटी का जो पीस कर रखा है ना उसी में मैंने काजू और किशमिश डाल दी है। और मैं बेटू से पूछ रही हूँ कि तुम्हें अच्छा लगता है क्या, लेकिन बेटू मना कर रहे हैं नहीं अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट गए ना इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने जो है एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है और ये है इलायची पाउडर, तो बस और बूरा जाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए ये मैंने घी में जो है जो चूरमा रखा था ना वो डाल दिया है और बूरा डाल दिया है, इसमें इलायची पाउडर डाल दी है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बना लूँगी। और जो मावा है तो उसमें भी घी था तो इसलिए मैंने घी कम डाला था, क्योंकि जो मावा है ना उसमें से मैंने अच्छे तरीके से जो है घी निकाला नहीं था। मैंने सोचा था कि उसमें घी वैसे भी डालना पड़ेगा, तो इसलिए। तो यहाँ देखिए लड्डू बन गए हैं और लड्डू भी जो है मतलब चूरमा के लड्डू जो है बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ देखिए ये है थाली तैयार। तो ये है दाल और रायता बनाया है साथ में, और बाटी, चूरमा के लड्डू, सैलेड, और तो सैलेड में सिर्फ प्याज और टमाटर है, और ये है रायता बूंदी का बिना तड़के वाला। और ये मेरी उंगली आगे आ रही है तो ये कट गई थी आपको पता है, तो इसमें मैंने बैंडेज लगा रखी है तो सामने यही आ रही है बताने पे। तो बस ये पापा का खाना है, देकर आती हूँ। और पापा को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, मतलब दाल बाटी कभी कभी तो चलती है, बहुत टाइम बाद बनाई है। और बस खाना वगैरह हो गया था तो मैं अभी ऊपर आई हूँ, और यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो आलिया झूला झूल रही हैं। तो ये वाला झूला नीचे लेकर आ गए थे, ऊपर था तो आलिया कहने लगी नीचे चाहिए। और यहाँ मैंने इन्नू की चोटी की थी और इसमें हेयर बैंड लगा दिया था, लेकिन इन्नू ने जो है निकाल लिया है वो बिल्कुल, मतलब ना चोटी कराना है उनको ना बालों में कुछ लगाना है। अभी चोटी भी थोड़ी देर से खुल जाएगी, हट जाएगी वो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और आलिया झूला झूल रही हैं, और मैंने बोला था कि इसको ऊपर रहने दो, एक तो नीचे है, लेकिन वो क्या है फिर इन्नू भी लड़ती हैं कि उनको भी झूलना है। तो इसलिए अब यहाँ ये है कि एक पे इनाया झूल लेती हैं, एक पे आलिया झूल लेती हैं, और उनकी किचन भी रखी हुई है, मतलब बच्चे खेल रहे हैं। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।